अभय जी मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष हैं और मैं सालों से देख रहा हूँ कि उन्हें टेबल टेनिस के प्रति उनका जो समर्पण है, वे सुबह शाम टेबल टेनिस के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। अभय जी ये बताएं कि अभी खेल प्रशाल में स्वीडन के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन आए हुए हैं, आप उन्हें कोचिंग करते हुए देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने अगर हॉल में टेबल टेनिस खेलने का शिक्षण होते हुए देखा होगा तो उसमें है। कोई भी व्यक्ति जिसको खेल में रुचि हो या ना हो, अगर इस हॉल में आकर के, अभय प्रशाल के हॉल में आकर के अगर खड़ा रहेगा तो उसको यही लगेगा कि ऐसे खेल के स्थानों का जगह जगह संगठन किया जाना चाहिए और सरकारों को इसके लिए हिस्सेदारी करना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि हिंदुस्तान में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सरकार खेल के विकास के लिए काम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि वैसा काम मध्य प्रदेश में नहीं होता, पर अगर किया जाए तो क्या हो सकता है, ये दृश्य आपने शायद देखा होगा। जी बिल्कुल। एक खूबी मध्य प्रदेश के पुरानी सरकार की है जी। कि उसने ये पुराना खेल का मैदान, ये इस मैदान में होलकर स्टेट का क्रिकेट होता रहता था, जब ये मैदान खाली हो गया और क्रिकेट का मैच के लिए अन्य दूसरी जगह मैदान तैयार हो गए तो ये मैदान खाली पड़ा था और सन 74-75 में प्रकाश चंद्र जी सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के आए और उन्होंने जिस मैदान को खाली देखा तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसमें खेल की गतिविधियों को फिर से संगठित किया जाए और ये निर्णय लिया और 4 खेलों को ये मैदान दे दिया। उसमें टेबल टेनिस एक है। टेबल टेनिस के पास इसके पहले अपना खेल इतने विस्तृत तरीके से करने की सुविधा नहीं थी, पर टेबल टेनिस एसोसिएशन ने, इंदौर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन ने जब ये मैदान मिल गया तो अपना एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से ये सारी गतिविधियां हम यहाँ चला रहे हैं। कई बार लोगों को ये देख करके आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी जगह खेल के लिए कैसे दी गई, पर मुख्यमंत्री का देना, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने ये जमीन खेलों के संगठनों को सुपुर्द कर दी और तब से अब तक यहाँ उन 4 खेलों का विकास हो रहा है। आपने अगर आज लोगों को खेल सीखते हुए देखा होगा तो आपको शायद और संभवतः इस बात का विश्वास हुआ होगा कि यहाँ कितने कोशिश टेबल टेनिस संगठन कर रहा है। पीटर कार्टन बच्चों को सिखा रहे हैं और वो शायद दुनिया में टेबल टेनिस के अच्छे शिक्षकों में से हैं। अच्छे खिलाड़ी तो वो थे ही, करीब 5 बार वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं जी। तो उनका सिखाना बच्चों को कितना सुहाता होगा ये आप समझ सकते हैं। नहीं, ये देखा मैंने कि बच्चे भी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और उसे अपना भी रहे थे। जब प्रैक्टिस करते हुए देखा तो मुझे लग रहा है कि भारत का टेबल टेनिस भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उज्जवल होना चाहिए जी। आपने जब इनको सीखते हुए देखा होगा तो शायद ये आपको उनसे बातचीत करने से पता चला होगा कि किस तरह से न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि और रियासतों के और प्रदेशों के
बच्चे भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं और उतनी तमन्ना से सीख रहे हैं। हमने यहाँ ये सुविधा जुटाई है कि जो बच्चे बाहर से आते हैं सीखने के लिए या प्रतिस्पर्धा में खेलने के लिए, वो यहीं इसी कैंपस में ठहर सकें। उनके ठहरने के लिए कमरे बने हैं, उनके ठहरने के लिए तैयारियां हैं कि उनका खान पान भी सब यहीं मिल जाए। तो हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस जितना बढ़ सके उसको फैला सकें। आज करीब मध्य प्रदेश के 30 जिलों में टेबल टेनिस के संगठन हैं जो अपने यहाँ छोटी कोशिश में, बड़ी कोशिश में, छोटे तरीके से, बड़े तरीके से साधन जुटा करके और टेबल टेनिस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश दुर्भाग्य से ऐसे प्रदेशों में है जहाँ ये कहा जाता है कि खेलों को बहुत मदद मिलती है, मिलती है ज़रूर, पर जहाँ राजधानी भोपाल में सभी खेल की एकेडमी है उससे आगे बढ़ कर के मदद जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल सकती है। इतना सच है कि खेल जीवित रह सकें इतनी सहायता कोशिश करने से सरकार से मिल जाती है। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है उसका लक्ष्य ये है कि हम हिंदुस्तान में टेबल टेनिस को बड़ा कर सकें, बढ़ा सकें, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें और माता पिता खुद उनमें दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं, अगर बच्चे दूर से आते हैं तो माता पिता स्वयं उनको यहाँ छोड़ करके जाते हैं। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में ही केवल नहीं बल्कि सब जगह टेबल टेनिस का खेल अपना पंख फैलाए। ये एक ऐसा खेल है जिसको न तो हम ये कह सकते हैं कि मैदान का खेल है और न ये कह सकते हैं कि घर के भीतर खेलने का खेल है, दोनों का मिश्रित खेल है ये। और इस खेल में रफ्तार बहुत तेज है, ये तो बहुत सारे खेलों में चुनौतियां होती हैं पर शायद टेबल टेनिस में जितनी तेज़ी से खेलना पड़ता है, जितनी एकाग्रता से खेलना पड़ता है, जितनी शक्ति लगा करके और शक्ति बुद्धि और दृष्टि तीनों को साथ लगा करके खेलना पड़ता है और शायद इसके साथ लगा करके अपना खेल में जवाब देने के लिए शायद सेकंड तो क्या, सेकंड का भी एक छोटा सा हिस्सा लगता है। इस एकाग्रता से जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें बहुत सारे गुण बिना पढ़ाए बढ़ते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इंदौर को एक ऐसे नक्शे पर स्थापित कर दें जहाँ खेलने के लिए हिंदुस्तान के और बाहर के अनेक खिलाड़ियों का मन लग जाता रहे। भविष्य की योजनाएं आपकी और क्या हैं? जैसे अभी खेल प्रसार के सामने एक और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस बारे में आप कुछ बताइए। खेल प्रसार के सामने जो बन रहा है वो खेल प्रसार का ही हिस्सा है जी। क्योंकि जब हम खेल का मैदान बनाते हैं जी, बच्चों को खेलने के लिए बुलाते हैं, उनको ठहरने के लिए कमरे बनाते हैं जी, तो कुछ और भी उनके जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे उनको एक ऐसा स्थान मिले जहां वो चाहें तो बैठ करके कुछ किताबें फुर्सत के समय में पढ़ सकें, उनको एक ऐसा स्थान मिले जहां अन्य खेलों के साथ भी वो अपने तैयारियां करने में मदद ले सकें। जैसे टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस को बहुत सारे दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी खेलते हैं उनकी रफ्तार और एकाग्रता के लिए, उनकी निर्णय क्षमता के लिए, वैसे ही टेबल टेनिस को भी इस बात की आवश्यकता लगती है कि दूसरे खेल खेल करके वो अपने को एक योग्य और शक्तिशाली खिलाड़ी बनाए। तो हम जो कुछ बना रहे हैं वो उसी की एक तैयारी है।